हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल वेडिंग बन हेयर स्टाइल साड़ी के लिए। तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ एंड मैंने पहले दूसरी साड़ी पहनी थी बट वो मुझे फिट नहीं आई उसकी ब्लाउज, एंड फिर मैंने चेंज कर ली थी बाद में। और इस तरीके से ट्विस्टिंग वाली हेयर स्टाइल कुछ करूँगी मैं। मुझे भी पार्लर जाना था, मेरी सिस्टर लोग वगैरह सब लोग पार्लर जाके करा के आए थे बट मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं पार्लर जाके बाल वगैरह सेट कराऊँ अपना, तो मैंने घर पे ही किया था और कुछ इस तरीके से किया था ट्विस्टिंग वाला बन हेयर स्टाइल। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं था कि मतलब ख़राब दिख रहा था, नहीं जा पाई पार्लर। तो इस तरीके से फ्रंट से थोड़े थोड़े बालों को लिया है एंड साथ के साथ ट्विस्ट किया था और उसको एक 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 ही पिन में सेट करते जा रही थी। फिर ईयर तक सारे बालों को इस तरीके से ट्विस्टिंग कर करके सेट किया था मैंने। तो अभी जल्दी जल्दी में अगर आपने कोई हेयर स्टाइल नहीं बना पाए हो या फिर सेट नहीं करा पाए, बाल स्ट्रेट नहीं करा पाए, कर्ल्स नहीं करा पाए, तो आप इस तरीके से बन बना सकते हो। और ये जो पीछे खड़ी है इन्हीं का साड़ी है और काफ़ी प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जब ये रेडी होके आई पार्लर में। तो एंड इंगेजमेंट में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इंगेजमेंट का भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो वो भी जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैं इसमें कैसी रेडी हुई थी, हल्दी मेहंदी सारा फंक्शन, सब फंक्शन का फोटोज वीडियोज है इस वीडियो में। तो बस हेयर स्टाइल पहले बता दूँ आप लोग को, उसके बाद मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी आप लोग को वीडियो में। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा मेरा फाइनल लुक देखने के लिए एंड दुल्हन कैसी लग रही थी वो भी देखने के लिए। तो आप लोगों को काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड अभी आज है मेरी सिस्टर लोग का पग फेरा, तो गए हुए हैं मेरे हस्बैंड लोग, गए हैं देने के लिए, लेने के लिए उनको, हस्बैंड मेरा बेटा देवर लोग सब लोग गए हैं और मैं आ गई थी ये वीडियो एडिट करने। तो एडिट करके मैं सोची जब तक वो लोग आएंगे तब तक ये एडिट हो जाएगा, फिर मैं अपलोड कर दूँगी। तो इस तरीके से सारे बालों को थोड़ा थोड़ा पतला पतला लेयर लेके ट्विस्ट किया था और काफ़ी प्यारा हेयर स्टाइल बन गया था। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतना अच्छा लगेगा बट बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके साथ मैंने पल्लू कैसे सेट किया था, साड़ी कैसे पहना था, सब कुछ बताने वाली हूँ, तो पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इस तरीके से लेयर्स निकाला था, लेयर्स निकाल के लेयर्स को बाद में मैंने कर्ल्स कर दिया था जिससे कि और भी खूबसूरत लुक आ रहा था। बट रेडी होने में बहुत दिक्कत हुई क्योंकि शादी वगैरह में क्या होता है वेडिंग में कि जो अगर किसी को पता चल जाए कि आपको कुछ आता है मेकअप से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड, तो सब लोग पीछे ही पड़ जाते हैं और आप खुद का नहीं कर पाते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जितने भी गेस्ट रिश्तेदार थे, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा लाइनर लगा दो, थोड़ा पल्लू सेट कर दो, थोड़ा साड़ी पहना दो, कम से कम 6-7 लोगों को मैंने साड़ियाँ पहनाई थी, बस लाइनर लगाया था एंड हेयर स्टाइल बनाया था और मैं खुद का नहीं कर पा रही थी और मैं बहुत थक चुकी थी। और मैं जाके बाद में लास्टली मैं जाके छिप गई कहीं पर कि अब कोई ना आए, क्योंकि अब तो मेरे अंदर हिम्मत बची नहीं थी कि मैं जाके अब किसी का कुछ भी कर पाऊँ। फिर भी मुझे लास्टली आना पड़ा क्योंकि सब लोग ढूंढ रहे थे बार बार और बैंकवेट में जाने का टाइम भी हो चुका था शादी के लिए। तो इस तरीके से फ्रंट से ट्विस्ट किया था मैंने और दूसरी साइड थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो इसको मैंने दोबारा से ओपन किया था एंड दोबारा से ट्विस्ट कर दिया था। तो इस तरीके से सारे बालों को मैंने इस तरीके से एक साइड से ट्विस्ट किया था, फिर दो क्लिप से मैंने एक साइड इसको ट्विस्ट किया एंड बीच बीच में लोग भी आ रहे थे क्योंकि शादी है तो और मेरी मदर इन लॉ थी और मेरी सिस्टर इन लॉ जिनकी शादी है वो पीछे खड़ी थी। अभी ये जाने वाली थी पार्लर में, मैंने सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल किया था, इनको कुछ सामान यहाँ पे जो आप मेकअप बीच में वीडियो छोड़ के वीडियो भी जा सामान लेने गई थी तो उनके सामान ला के दिया मैंने, डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। मेकअप से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ है मेरे चैनल पर, छोटी छोटी बारीकियों के साथ जो जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है, मेकअप केक ही क्यों पड़ जाता है, पूरा ग्लोसी मेकअप क्यों नहीं आता है, जो अंदर से स्किन लाइट दिखती है जैसे लगता है कि आपका स्किन ही वैसा है, उस तरीके का मेकअप आपको कैसे करना है, सब कुछ मेरे चैनल पे अपलोड है। और डेली रात को 8 से 10 बजे के बीच में मैं लाइव आती हूँ जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ। बट अभी शादी यहाँ चल रही है तो 8-10 दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि अब मैं अपने घर वापस जाऊँगी तब मैं लाइव आ पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट वगैरह आ चुके हैं जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही। बस उसी में थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जैसे तैसे वीडियोज़ ले लेती हूँ ताकि आप लोग के साथ कॉन्टैक्ट बना रहे और कुछ जो भी जानकारी मेरे पास होती है वो आप लोग तक मैं पहुँचा सकूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले आपका ब्यूटी एंड खूबसूरती को और भी ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। एंड पार्लर से रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरे पास होती हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पूरी बारीकी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो इस तरीके से मैंने ट्विस्ट किया था एंड दूसरी साइड भी मैंने बना लिया था। और ट्विस्टिंग करने के बाद से मैंने क्या किया था, सारे बालों को एक साथ लिया था एंड पोनी बनाई थी, पोनी बना के मैंने एक डोनट बन लिया था और खूबसूरत सा बन बनाया था। उसके साथ आप थोड़ा सा गजरा या फिर यूपिन्स वगैरह
ट्राई कर सकते हो। तो ट्विस्टिंग हो गई है, तो चलिए पीछे का बन कैसे बनाना है वो भी बता देती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं पार्क में घूम घूम के वीडियोस एडिट कर रही हूँ, क्योंकि घर पे पॉसिबल नहीं था, बहुत शोर है एंड पार्क में भी तो लोग हैं ही, बट थोड़ी शांति है। दूर खड़ी होकर मैं अपना आवाज़ एडिट कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे पास माइक है, ना ब्लूटूथ है, ना ही ईयरफोन है, क्योंकि सारा कुछ मैं अपने घर पे ही छोड़ आई हूँ, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ चीज़ें याद रहती कुछ नहीं रहती हैं। तो रबड़ बैंड मैंने लगा लिया है सारे बालों को एक साथ इकट्ठा करके, एंड वीडियो में अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, तो उसके लिए वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे जाने के बाद तो आपको अच्छे से हेयर स्टाइल देखने को मिल ही जाता। फिर मैंने डोनट बन लिया था, पोनटेल के हेयर स्टाइल हेयर के ऊपर ही ऐड कर दिया था। और यूपिन से चारों तरफ से इसको सिक्योर कर दिया था। वीडियोज़ काफ़ी लंबी थी, बट मैंने बीच बीच में से कट कट करके आप लोग के लिए छोटा सा वीडियो बनाया और इस तरीके से सारे बालों को फैलाया था। एंड सेकंड रबड़ मुझे नहीं मिला, तो मैंने इस तरीके से ट्विस्टिंग करके ही डोनट बन को हाइड किया था। आपके पास भी अगर शादी वादी में तो कुछ मिलता ही नहीं है टाइमली। पहले मैंने जैसे चूड़ी पहनी है उस कलर का साड़ी पहना था, बट मुझे वो साड़ी का ब्लाउज फिट नहीं हुआ, तो मैंने उसको वापस से रख दिया था। और इस तरीके से सारे बालों को डोनट बन के ऊपर सिक्योर करके और इस तरीके से यूपिन से सेट किया था उसको। और जो पीछे खड़ी होकर देख रही थी वो हमारी बुआ जी थी। अभी जो साइड के हेयर है इनको मैंने रेडी होने के बाद लास्ट में बिल्कुल कर्ल्स किया था, और जब मैं अपना कर्ल्स करने बैठी तो बहुत लोग आए कि मेरा भी थोड़ा कर दीजिए, मेरा भी थोड़ा कर दीजिए। तो क्या करें यार, करना ही पड़ता है। फिर मैंने सबका कर्ल्स किया और मैं बहुत थक चुकी थी उस टाइम पे। और ये वाली साड़ी मैंने बाद में पहन लिया, चूड़ियों भी चेंज कर लिया था, बस बड़ी डाले हुए थे क्योंकि फुल स्लीव थी तो हैवी चूड़ियाँ पहनने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेकअप करने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया था, मैंने बस मॉइस्चराइज़र लगाया था, प्राइमर लगाया था एंड डायरेक्ट कंसीलर को इस तरीके से लगाया, ब्लेंड करके कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया था। कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने का थोड़ा सा ब्लश, थोड़ा सा हाईलाइटर, आईब्रो पेंसिल, आईलाइनर, मस्कारा, और आई मेकअप नहीं किया था मैंने यहाँ पे। एंड पूरे मेकअप को मेकअप फिक्सर से सेट कर दिया था और मेरा मेकअप डन हो चुका था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में करना था और जितना चीज़ यूज़ करो उतना लोगों को भी देना पड़ा था। साथ साथ मैं अपना मेकअप एक साथ एक बार में नहीं कर रही थी, अपना कंसीलर लगाने के बाद किसी और को भी लगाना पड़ रहा था, फिर अपना लगाई थी, फिर दूसरों को लगा रही थी। तो इस तरीके से मैंने बस बहुत ही कम प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छा सा मेकअप रेडी कर लिया था, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग था, बहुत लंबे टाइम तक चला था। हाँ, मैंने अपने यहाँ पे डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए कलर करेक्टर यूज़ किया था, जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो कलर करेक्टर, आप भी चाहो तो ले सकते हो। तो ये मैं पूरी रेडी हो गई और हम लोग पहुँच गए थे बैंक्वेट में। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया मैंने, और मैं काफ़ी प्यारी लग रही थी। आप लोग को कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं रेडी हुई थी, तो मैंने कुछ पिक्स लिए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया चाहे पिक्स वगैरह। और फिर बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो कि मुझे जानते थे, तो उन लोगों के साथ भी मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया उन्होंने मेरे साथ। यहाँ पे मैं अकेली बैठी थी, कॉफ़ी पी रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी अपनी फ़ोटो एक दो क्लिक करवा ली थी, ताकि यहाँ पे आपको क्लियर दिखे कि मैं रेडी कैसे थी। और ये है हमारी ब्राइट, मेरी सिस्टर इन लॉ जिनकी शादी थी, और ये मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, इनका ब्लाउज स्टिच मैंने ही किया था। ये मेरी बेटी है जो हल्दी फंक्शन में मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, और इनका थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी मैंने लिया था, बहुत ही प्यारी लग रही थी, नज़र ना लगी किसी की। मैंने टीका भी लगाया था इनको, और उसके बाद हम लोग कॉफ़ी पिए इनका वरमाला होने के बाद से। और ये है मेरा बेटा, हल्दी फंक्शन के लिए मैं इस तरीके से रेडी हुई थी, सॉरी मेहंदी फंक्शन के लिए एंड हल्दी में कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, और ये भी है मेरी सिस्टर इन लॉ, और ये हमारी बेटी हैं, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और ये है हमारे देवर जी, और ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड। और यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुप पिक्चर लिया था। ये है मेरे देवर, और ब्राइडल का मेहंदी कुछ इस तरीके से लगा हुआ था। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।